कदम उठाया, जिस संबंध में आज मैं आपसे रूबरू हूं। 22 जुलाई से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में डॉक्टर कफील अहमद की रिहाई के लिए एक महाआंदोलन चलाया कि डॉक्टर कफील अहमद खान को रिहा किया जाए। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक हमने और हमारी पूरी टीम ने मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाए और पूरे उत्तर प्रदेश से तकरीबन 5 लाख से अधिक लोगों ने डॉक्टर कफील के समर्थन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बैनर के नीचे उन्हें समर्थन देकर हस्ताक्षर किए। रक्तदान का प्रोग्राम हुआ, मदरसों में दुआ का प्रोग्राम हुआ, वीडियो संदेश का प्रोग्राम हुआ और आज 10 तारीख में उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर कफील अहमद खान की रिहाई के लिए हम लोग कर रहे हैं। कल 11 तारीख में फेसबुक पर लाइव आकर डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग हम लोग करेंगे और 12 तारीख को इस महाआंदोलन का अंतिम दिन होगा। उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे और डॉक्टर कफील खान के हमें उतना क्लियर तरीके से पता नहीं है कि वो किन अपराधों में बंद है और उनका प्रोफेशन भी हमें पता नहीं है। अगर डॉक्टर कफील की तरह जितना डॉक्टर कफील ने जेल से गुहार लगाई है उस तरह अगर कोई भी बेगुनाह जेल के अंदर बंद है, वो मुसलमान हो चाहे किसी धर्म जाति का हो, अगर इस तरीके से कोई गुहार लगाएगा तो कांग्रेस हर बेगुनाह के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खड़ी। जैसा कि इस मामले में कफील के मामले में आप कह रहे हैं कि हर बार तारीखें बदली जाती हैं, ये न्यायपालिका का कार्य है, आप सीधी सीधी न्यायपालिका के कार्य को चुनौती दे रहे हैं इस मामले में आप कह रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका तो एक सर्वोच्च व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका में कोर्ट में जो सरकार का पक्ष रखने वाले लोग हैं ये उन लोगों की साजिश है। सरकार का पक्ष रखने वाले जो लोग हैं